अगर आज भी टिफिन नहीं खाया तो रात को मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, समझ गई? उधर मत देख, तुझे कहा ना उधर मत देख। आप मुझे हमेशा उस ग्राउंड में देखने के लिए मना क्यों करती हैं? मुझसे बहस मत कर। ओहो, छे, दुपट्टा इस घर में है, हमारे घर में कुछ न कुछ अपशकुन होता ही रहेगा। चलो इसे फेंक देते हैं। अबे गाड़ी देके चला बे अंधे। ए तू क्या? ए, इस पूरे इलाके का विराट अप्पू ने बैटिंग का किंग करेगा बैट। ये है कौन? ये 20-20 का मैच नहीं है, 30-40 का मैच है, सट्टे वाला मैच। तीन बॉल में दो छक्के मारने होंगे। 2000 डालो पूरे 4000 कमाओ, 5000 डालो पूरे 10000 कमाओ। भाई 2G मोबाइल देके 4G मोबाइल मिल रहा है। कितना? पूरे 2000। पहली बॉल में ही काड़ा हो गया। नेक्स्ट आता हूं बंटा है। मम्मी मरी क्यों? हे, और कोई बचा क्या? कोई नहीं है। वाव, सारा पैसा अब उनका। ये क्या लगता है किसी लेडी रेस्लर को छेड़ा और उसने धो डाला तुम लोगों को? बैटिंग मैच यार, तीन बॉल में 2 छक्के, यानी सट्टेबाजी। 2000 लगाओगे तो 4000 पाओगे, 4000 लगाओगे तो 8000 पाओगे। मैं सब हार गया। मतलब एक से एंगेजमेंट करो और साथ में दूसरी बीवी फ्री। अब जल्दी से बता 25000 का डबल कितना होता है? 30000। इसीलिए मैच में हमेशा फेल होता था। अरे मुझसे ट्यूशन ले लिया होता। बैटिंग की खुजली किसको है? अपुन को। तेरे को है? हे, मी रेडी, यू रेडी क्या? आई एम ऑलवेज एवर रेडी। हाथ में ब्रेसलेट, गले में पीला और बाल नारंगी, ये बीवी ने तेरे को मंगलसूत्र डाल दिया? बैटिंग करूंगा, हिटिंग करूंगा, सिक्सर लगाऊंगा, तेरी नाक कटने वाली है। चला दे। Oh.
मारा छक्का छक्का सुन बे, ये कमाई अपुन की है। हाँ वही सोच रहा था, इतनी देर से विलन ने अपना कलर क्यों नहीं दिखाया? थोड़ा एक्शन एक्शन देखेगा अपुन को एक्शन दिखाएगा, अपुन को मारेगा, अपुन को मारेगा। चल निकल फुट। अरे स्टंप का ये छप्पर, यही सोच रहा है कि अपने चारों तरफ मैंने लक्ष्मण रेखा क्यों बनाई? हाँ तो सुन बे, ये वो स्पोर्ट्स है जहाँ बैटिंग के साथ बीटिंग भी होती है। क्या क्या, अगर तेरे गुर्दे में दम है ना तो मेरे को इस सर्कल से बाहर निकाल के बता, तेरे हरे हुए पैसे लौटा दूंगा। लेकिन अगर मैंने तुझे धो धो के तेरा सुरमा बना दिया तो जीत मेरी होगी। हाँ चल रेडी हो जा मार खाने के लिए। अभी हड्डी फूटने की आवाज आ रही है, थोड़ी देर में टूटने की आवाज आएगी। हाँ पता पता, केकड़े कोई भेजेगा। आजा 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 कांटे वाला केकड़ा। आजा 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 आजा। अभी तक तूने गली के बच्चों के साथ लंगड़ी और खोखो खेला होगा, कंग फू ताइक्वांडो वाले से तेरा पहली बार वास्ता पड़ा होगा राजा। क्या डायलॉग है, आई लाइक इट। अपनी ताकत से दूसरों की रक्षा करेगा तो हमेशा तरक्की करेगा, लेकिन उसी ताकत को लोगों की तबाही में इस्तेमाल करेगा तो खुद ही तबाह हो जाएगा। चेला बनेगा बांगड़ू। भाई अभी तुमको जाना चाहिए। जॉनी अब किससे लड़ेगा किससे नहीं, अब तू मुझे बताएगा। One more ball, please. Six, six. No ball. No ball. ये तो आउट हो गया। चैट।
ए, क्या लड़कियों की तरह भटक रहे हो, आ जाओ तरह मर्दों वाला डांस करते हैं। मुझे छोड़ के डांस कर रहे बॉस। अरे तू लेट हो गया, तेरे बिना जश्न कैसे पूरा होगा। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। क्या बात, डेड फुट बोल छे फुट, तू इसको उठाएगा और क्या, तू उठाएगा इसको। अबे दूंगा एक, हे रामू डेड फुट को देगा, ये टहलते चांद पे चला जाए, इतना कॉन्फिडेंस है इसमें। ए पानी ला रहे, ये ले मार। तू किसी से कम नहीं है और तुझे कोई गिरा दे किसी में दम नहीं है। कमॉन, हाँ कमॉन कमॉन गेट अप, कमॉन गेट अप। Come on, Ramu. Come on. दिखा अपनी हिम्मत। क्या बात है? Wow. Very good. Come on, come on, come on, come on, come on. क्या बात है? दिन में ये राघव, ब्रूसली, जैकी चैन और रैम्बो का 3-in-1 कॉम्बो पैक होता है, मगर रात होते ही महाडरपोक, क्योंकि रात होते ही भूत पिशाच डायन चुड़ैलें बाहर निकलती हैं। अरे अरे छोड़ो मुझे, जाने दो बाबा, अरे मुझे जरूरी काम है। आपने हमसे कल प्रॉमिस किया था कि आप हमें कहानी सुनाएंगे, तो क्यों नहीं सुना रहे हो? प्रॉमिस तो ना गलत बात है, कहानी सुनानी ही पड़ेगी। कौन सी कहानी सुनोगे बच्चों? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो अगर भूतों की कहानी सुनोगे ना तो तुम दोनों डर जाओगे। मैं परियों की सुनाता हूँ। नहीं, हमें भूत की कहानी सुननी है। कहानी सुनानी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा कि हम डरपोक हैं या आप डरपोक हैं। तो डिसाइड कर चुके हो? हाँ। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर रात को बिस्तर गीला मत करना। ओके। ठीक है, तो शुरू करो। हाँ, करो। सुनाओ ना। हाँ। डरोगे नहीं ना? एक वीरान गांव में। बेटा राघव अभी आया माँ। बेटा पहले कहानी सुनाओ। क्या कर रहा है मेरे लाल? कहानी सुना रहा हूँ माँ। कहानी? कौन सी कहानी सुना रहा है? वो चुड़ैल की कहानी। चुड़ैल की? अजीब लड़का है, न भूत की कहानियाँ पढ़ता है, न सुनता है, न देखता है, और सुनाता है तो भूत की कहानी सुनाता है। अयो, आज रात भर मुझे जागरण करना पड़ेगा। एक वीरान गांव था। अरे ये सब बहुत हो गया, डायरेक्ट भूत से शुरू हो रहा। क्या हुआ, भूतनी से मिलने की बड़ी जल्दी है? भूतनियाँ हमेशा स्लो मोशन में आती है। डरो मत बच्चों, मेरे पास आ जाओ। देखो बच्चों, जब मैं चुड़ैल की कहानी सुनाऊं तो डर के भाग मत जाना, डर लगे ना तो मुझे पकड़ के बैठना। ठीक है। तो बच्चों हम लोग कहाँ पहुँचे थे? एक वीरान गांव में चुड़ैल। याद आ गया। आगे सुनाता हूँ। बच्चों तुम लोगों को बाथरूम जाना है तो जाके आ जाओ, लेकिन मैं साथ में आऊंगा। हाँ, अकेले जाओगे तो डर लगेगा ना। वैसे मैं कहाँ पहुँचा था? याद है। एक वीरान गांव था। आप ठीक से नहीं सुना रहे, आगे की कहानी हम सुनाएंगे और आप सुनोगे। तैयार हो जाओ। अरे बड़े डेंजर लग रहे हो, ऐसे एक्शन और रिएक्शन के साथ क्यों सुना रहे हो? आपकी भूति बहुत बोरिंग है, जो सिर्फ हाथ और पैर की उंगली खाती है, लेकिन हमारी वाली चुड़ैल अखा निकल जाती है। अरे इतने खतरनाक एक्सप्रेशन देने वाली भूति से मुझे सुसू आ जाती है। जरा एक्टिंग कम करो प्लीज, रैप करो। चाचा को मैं कहानी सुनाऊंगी, तुम्हारी भूति ओल्ड फैशन की, मेरी वाली अभी जवान है। मेरी भूतनी पानी से नहीं खून से नहाती है। जबान क्यों निकाल रही हो? उसके मुंह में जीप के बदले आज कर 24 घंटे खून की सप्लाई है। इस वक्त भूतनी को लगी है भूख।
शुरू हो गया, पता नहीं कब सुधरेगा। अब ये मेरी कमर पे लैंड करेगा। संभाल जा, संभाल जा, आजा। मम्मा, तो पहले जैसा हल्का नहीं रहा। डर लग रहा है। जब भी तुझे डर लगता है कूद के मेरी गोद में आ जाता है। ऐसे ही लटकेगा तो ये पुरानी इमारत रीडेवलपमेंट में चली जाएगी। या तो तू डाइटिंग कर ले या मुझे जिम जाने दे। ठीक है, वहाँ एडमिशन करा लो। मम्मा, तूने क्या मुझे राधे माँ समझाए? जो आराम से बैठा मेरा प्रवचन सुन रहा है, चल कूदी मार। बाप रे बाप, तेरे रोज रोज के ड्रामा से मैं तंग आ चुकी हूँ। कौन सा ड्रामा किया? छोटा था तो सुलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, पढ़ाई करवाने के लिए भूत आया करके डराती थी। अब वो डर मेरे दिल में बैठ गया तुम्हारी वजह से। ठीक है ठीक है, तुझसे कोई नहीं जीत सकता। जा जा सुसु करके आ, नहीं तो रात को बिस्तर गीला करेगा। तुमको बैठने के लिए नहीं बुलाया। चलो। कहाँ चलो? पूछ के शर्मिंदा मत करो, मुझे आई है। मेरा मन नहीं है, तू करके आ। जाने का मन हो या ना हो, आना ही पड़ेगा। नहीं आती। क्या कहा? नहीं आती। आती होगी नहीं? तेरे बोल, अगर पड़ोसियों ने सुन लिया तो उन्हें लगेगा इतने बड़े लड़के को आज भी मासूस करा। पड़ोसियों को कैसे पता चलेगा? सीसीटीवी कैमरे थोड़ी लगे हैं। मामा चलो ना प्लीज, बहुत जोर से आइए। मामा मामा प्लीज प्लीज, मामा बैग में हो जाएगी। कहाँ कौन ले जाएगा मुझे? जा कर ले। ए मामा, क्या है? एक अच्छा सा गाना सुना दो ना मामा। आई सुसु करते हुए भी गाना सुनेगा? हाँ, सुसु थोड़ी सुरीली हो जाती है मामा। गाती हूँ गाती हूँ। ऐसे गानों से सुसु अटैक आ जाएगा। यही गाना आता है मुझे। भांगड़ा ही सुना दो। नहीं? वैसे भोजपुरी भी चलेगा। बाथरूम में भोजपुरी गाना सुनेगा? गानों से मेरा फ्लो अच्छा आता है। रुक जा सुनाती हूँ। निकट नहीं आया महावीर जब नाम सुना। इतनी सारी चप्पल कहाँ से लाए? मंदिर से चप्पल चुराने लग गया क्या? हाँ, चुराई हुई नहीं है, जो तुम फेंक देती थी वो मैं संभाल के रखता था। झाड़ू चप्पल फैला दो। ये सब बातें मैं तुझे बचपन में बहलाने के लिए बोलती थी। एक बात सुन लो मॉम, भूत अता पता पूछ कर नहीं आता, उम्र का भी लिहाज नहीं करता। कोई भी मैकेनिक तेरा भेजा ठीक नहीं कर सकता। ये चप्पलें और झाड़ू भूतों से रात भर हमारी हिफाजत करेंगे और चैन की नींद आ जाएगी। ये कोई लक्ष्मण रेखा है जो कोई भूत पार नहीं कर सकता? डराएगा तो। ओवर स्मार्ट मत, उसका भी इंतजाम किया है मैंने। क्या किया है? अभी दिखाता हूँ। जय हनुमान, महाबली हनुमान की जय बोलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। कैसा लगा सुरक्षा कवच? एक बात कहूँ, तुझ जैसा फट्टू मैंने आज तक नहीं देखा। इसीलिए तो हनुमान जी की फोटो वाली लाया, ताकि डबल प्रोटेक्शन मिले। चुप कर और सो जा। मम्मा, अब क्या है? कल मुझे एग्जैक्टली 5 बजे उठा दोगी ना? काय को? अरे कल भाभी की छोटी बहन प्रिया छुट्टियां मनाने यहाँ आ रही है, तो कल सुबह उठकर उसे रेलवे स्टेशन पिकअप करने जाऊंगा। ये पलंग के आसपास जितनी भी चप्पलें सजाई है ना तूने, उसी से इतने फटके मारूंगी तुझे। सो जा चुपचाप, ड्राइवर ले आएगा उसे। मुझे यहाँ वेट करते देख लिया तो फोकट में भाव खाने लगी। अंदर जाके फिर से कैजुअल वाली एंट्री मारता हूँ। दीदी,
कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ। बाछू प्रणाम आंटी। आंटी कितने अच्छे संस्कार है, बड़ों को रिस्पेक्ट देने में तो तुम अपनी बहन से भी आगे हो। सदा सुहागन रहो मेरी प्यारी बहू। हाय मौसी। हाय बच्चों। हाय हाय। अब तुम आ रही हो, पता होता तो मैं तुम्हें रिसीव करने आ जाता। कोई बात नहीं, वो तो मैं फोन तो किया था। ये आने वाली है, सबको पता था, तुझे नहीं पता था? तब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो एक पेज 3 पार्टी में तैयार होके जा रहा था, उतने में मुझे ये दिख गई। ओ, सुबह 5 बजे उठाने के लिए किसने बोला था? ड्रेसिंग का अंदाज कोई तुमसे सीखे, सुपर। थैंक यू प्रिया। थैंक्स। हो सके तो मुझे भी अपनी तरह स्टाइलिश बनने का मौका दो ना, ये छोटे छोटे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, इसमें गर्मी नहीं है। तुझे पता नहीं है कि राघव अब जवान हो गया है, इतने छोटे कपड़े पहनकर क्यों आई? यहाँ आते वक्त तुझे साड़ी पहननी चाहिए थी। दीदी मैं जानती हूँ आपके ससुराल वाले थोड़े ओल्ड फैशन है, इसलिए तो मैंने ये पहना है। क्या पहनना? एक्चुअली मैं इससे भी शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ। हाँ करेक्ट, ओल्ड फैशन बुड्ढियों की बातों पर भरोसा मत करना, यही सही है। आप तो चाहते होंगे स्कर्ट और छोटे। इस ड्रेस में क्या बुराई है बताओ? इस ड्रेस में कपड़ा है ही कहाँ? है तो चुप कर, इस उम्र में ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो क्या बुड्ढी होने के बाद पहनेगी? सही कहा, पहली बार पते की बात की। मेरे जमाने में ऐसे सेक्सी ड्रेसेस कहाँ मिलते थे, अगर मिलते तो तुझे पता है इससे भी छोटे पहनती। मम्मा उम्र 55 की, दिल बचपन का। राघव मम्मा बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए कराटे खाना नहीं भूलता। इमेजिन। मम्मा मैं बॉम्ब लग रही थी ना? खुश हुए बॉम्ब की सुरसुरी। हाय हाय, यहाँ क्यों खड़े हो? क्रिकेट छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी के लिए रोड शो करना है क्या? कल तक यहाँ पर खेलते थे, वहाँ पर कुछ लोग आज बिल्डिंग बना रहे हैं। हमारे ग्राउंड पे बिल्डिंग? चलो बैंड बजाते हैं उनकी। उनको उनका काम करने दो, हम अपना काम करते हैं ना। अपने अपने बल्ले उठाओ और छक्के और चौके लगाओ, चलो जल्दी फटाफट। अरे गुरु इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे दोस्त के घर के सामने एक खाली मैदान पड़ा है, सही कहा, उसमें थोड़ी सी सफाई करके हम लोग आराम से खेल सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, चलो सीधे धावा बोलते हैं। गुरु जगह कैसी है? एकदम सॉलिड जगह, छक्के चौके मारने के लिए एकदम आइडियल। लंबे शॉट मारे तो बॉल घुमा, इसलिए 3-4 एक्स्ट्रा बॉल रखने पड़ेंगे। चलो भाई। आओ भाई आओ। ए भाई ग्राउंड की अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ी वाड़ी हटा के एकदम स्टेडियम बनाते हैं। यहाँ पानी वानी छिड़क के स्टंप ठोक डालेंगे। ए सन्नाटे कौन से ख्यालों में खोया है तू, इधर देखना। चल चल सफाई। हाँ हटा, इसको भी हटा। हाँ उस तरफ है, उस तरफ। हाँ उस तरफ कचरा नहीं देखना चाहिए। मार ना पानी मार, और तू भी मार 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 मार। हाँ पिस्ता ला, स्टंप दे स्टंप दे। हाँ मार दो जरा फटका मार। ला मुझे दे, पकड़ जरा पकड़। अरे क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? लगता जमीन बहुत हार्ड है। हाँ, ए जरा पत्थर ले गया ना। हाँ, ए बोल। हाँ दे मुझे। हाँ अभी दूसरा। ये क्या हो क्या रहा? आंधी आंधी आ रही? अरे कुछ नहीं है, ला तीसरा ला। लगा तीसरा लगा दे। एक ही फटके में अंदर।
क्या क्या हो रहा है, क्या रहा है, अचानक से बारिश आ जाने वाली है। चल चल चलते हैं, अच्छा गेम खेलना है, फायदा नहीं है यार, किस्मत का छल्ला लिखा ही नहीं है। चलो गुरु देखते क्या हो। अरे ये बिना मौसम के बादल क्यों छाए हुए? अरे जब भूत की एंट्री होती तो ऐसे ही होता है। अबे बच्चे की जान लेगा क्या? ए भाई मुझे यहाँ नहीं खेलना है, चलो कहीं और चलते हैं। चलो चल 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 भागो, ए भागो, ए ए स्टंप क्या बड़े भैया लेंगे, चल उखड़ उखड़। जैसे ही आगे बढ़ के बॉल हिट करने वाला था कि जोर से हवाएं चलने लगी। आप शुरू कीजिए। आपकी स्टाइल की गुगली से कहीं मैं क्लीन बोल्ड ना हो जाऊं। जरा टिकाओ ना। आहा क्या अंदाज है, मार ही डालेंगी। जानकी जरा एप्पल खाइए ना। नो थैंक्स। आई और क्या लेंगे? क्या हुआ, ये गंदी स्मेल कहां से आ रही है? अरे मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, कुछ बदबू इसी जगह से आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ। ये जाम बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेड है। ए, क्या करे? ये बदबू तो आपसे आ रही है। मुझ में से नहीं, यहीं कहीं से बदबू आ रही है। आप फिक्र मत कीजिए, आप जाके खाना खाइए, मैं सफाई कर देती हूँ। इतनी बदबू में कोई खा कैसे सकता है? ट्राई तो करो। मूड खराब हो गया। ये अंगूर बहुत मीठे हैं, ये खाई। केला ठीक ठीक है, मैं लेता हूँ। छी ए राघव सुनो, इधर आओ। जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? क्या है, तुम्हारे क्रिकेट बैग से कितनी बदबू आ रही है? मेरे क्रिकेट बैग से बदबू आ रही है? अरे क्या कह रही है, परफ्यूम मारा है मैंने। और ची 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 ची, वो क्या है ना भाभी, हम लोग किसी दूसरे ग्राउंड में गए थे, वहाँ बहुत गंदगी थी। भाभी आप जाइए, उड़ा रहे, मैं देखता हूँ। अरे रे ये लाल रंग कैसे आ गया? हाँ वो लाल मिट्टी थी ना ग्राउंड में इसके लिए। शौक है। बदबू भी गायब और एकदम नया हो गया। कौन है ऐसा रो रहा है? फिल्मों में भूत इसी टाइम पे आते हैं। इस घर में मुझसे बड़ी भूतनी कौन हो सकती है? नहीं, मुझसे बड़ी भूतनी कोई नहीं हो सकती इस घर में। नब्बड़े इस दे खुद की परछाई देखकर ही डर गई मैं तो। हाँ सच्ची तो है ना,
मेरी परछाई देखकर तो भूत भी डर जाएगा। हाँ, डर की डुगडुगी बजती है तो डॉग के रोने की आवाज भी किसी भूत जैसी लगती है। जाओ जाओ, हाँ? को जाके सो जाओ, मुझे मत डराओ। को आपके कहने का मतलब है कि मेरे दिल का वहम है? और नहीं तो क्या। बाप रे, इस घर में सारे फट्टू लोग ही रहते हैं। अब ये मत कह देना कि मैं भी डायन जैसी लगती हूँ। वैसे मुझे देखकर कोई भी भूत 9-11 हो जाएगा। मुझे लगा आप मुझे आवाज दे रही हैं। आपके रूम में गई तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे नहीं पता था आप वॉकिंग करके अपना फिगर बनाना चाहती हैं। दांत का बंद कर, खाली छुगी। सॉरी बाप। माँ को मत जल्दी करो, मेरे हाथ ले, खींच ले मुझे। एक बात बताइए, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुन, वो अपनी गौरी है ना, उसने कोई भूत देख लिया है। भूत आ गया। बच्चा। चुप हो जा, राघव ने सुन लिया तो मैराथन करते हुए आ जाएगा। आ जाएगा क्या? वो तो आ गया है। आ गया तो मेरे को ढूंढेगा। मेरे प्यारे देवर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई भूत भूत चिल्ला रहा था। और कोई नहीं, वो मैं थी। क्या, आप थी? हाँ राघव, अब तो नीचे उतर जाओ, तेरे भाई आ सकते हैं। सॉरी भाभी, मुझे लगा मॉम की कमर है। मेरी मम्मा कहाँ है? मेरे पास में फटका तो टांग तोड़ दूंगी तेरी। दूर रहे मुझसे, दूर रहे। राघव, ये गौरी बरगद की तरह मजबूत है, ट्राई करके देख। कहाँ है बरगद? गौरी, गौरी। प्रिया, मुझे भी खिलाओ ना। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? देख रहा हूँ कि तुम्हारे जिस्म में कहीं दाग है। बच्चों इधर आओ। क्या? देखो, ब्रेकफास्ट किए बिना खेलोगे तो थक जाओगे। जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो। आजकल के बच्चे भी ना बहुत एडवांस्ड हो गए। कॉलेज में जब खेलने जाती हो तो ऐसे ही छोटे छोटे ड्रेस पहनती हो? मैं एक मॉडल हूँ तो हमेशा मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। ओहो, और मैं सुपर मॉडल, जो पहनता हूँ फैशन में आ जाता है। ये इंग्लिश में एटीट्यूड मत झाड़ो। व्हाई नॉट, मेरी इंग्लिश कमजोर है ना। चांस मारने का अच्छा मौका है। तुम हंसते हुए प्रियंका खोपरा लगती हो, और जब हाथ ऐसे करती हो ना तो कैटरीना सैफ लगती हो। जब शर्माते हुए उस तरफ देखती हो तो माधुरी बिस्किट लगती हो। और जब हाथ जोड़ के ऐसे पोज देती हो तो मालिया भट्ट लगती हो। हाय हाय हाय। अभी क्या हुआ? जाने दो भाभी, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। अरे बस ट्रेन मत कर, पहले बता। अब छोड़ो ना भाभी, तुमसे नहीं हो पाएगा। सीधा खड़ा रहे यहाँ, अब बता क्या बात है। तुम्हारी मेरी क्या? तुम्हारी बहन। क्या, मेरी बहन? तुम्हारी बहन। क्या हुआ उसे? मुझे उससे प्यार हो गया है। मम्मी क्या बोल रहे, ये तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए भाभी। मुझे आपकी बहन से प्यार हो गया है और मुझे आपकी मदद चाहिए भाभी। क्या कहा? तुझे प्यार हो गया है? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन से प्यार करेगा? मैं तुझे छोडूंगी नहीं। बता तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों? सिर्फ प्यार ही क्यों किया? अरे भगा के ले जाओ उसे। आप सच कह रही हैं? अरे आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी भाभी। मेरा आशीर्वाद है कि तू जल्दी से मेरा जी जान ले। देवर भाभी का मिलाप तो देखो, प्यार के लेसन दिए जा रहे हैं ना। क्यों ना दो मम्मी, मेरे देवर में कमी क्या है? लड़कियां इसे देखकर अपना दुपट्टा फाड़ने लगती हैं। अकेले सुसु करने जाने की हिम्मत नहीं है इसमें। एक नंबर का फट्टू है ये, और वो कितनी हॉट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, नो मैचिंग। कैसी मार दूं?
तू माँ है? आपके पति भी तो डरपोक थे ना, तो वो उनकी गलती है, मुझे क्यों ताना मारती हो? बुरा नहीं मानते राघव, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता, लेकिन उसको बोलो फट्टू नहीं बोले। इनकी तो उम्र हो गई है, तू उससे प्यार करता है ये तो ठीक है, पर क्या वो भी तुझसे प्यार करती है? तुम्हें क्या लगता है कॉलेज से लीव लेकर वो तुमसे मिलने आई है? सिर्फ मुंह से लव यू कहना बाकी है। उसके हंसने का अंदाज, उसके देखने का अंदाज ये कंफर्म करता है कि वो मुझसे प्यार करती है। बस बोलने से शर्मा रही है, लेकिन जिस दिन शर्म चली गई उस दिन मेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। नीचे राइट लेफ्ट चूना लगा दो, काम हो जाएगा। अरे मेरी फूटी किस्मत, यहाँ मेरी जिंदगी को चूना लगने वाला था और ये नींद में पता नहीं किसको चूना लगा रहे हैं। उठो, अरे मैं कहती हूँ उठो, उठो ना। इतनी रात को कौन सा राग अलाप रही हो तुम? सुना जी, वो लकड़ी का घोड़ा अपने आप हिल रहा था। लकड़ी के घोड़े की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। अरे रेस वाला घोड़ा नहीं, स्टोर रूम वाला घोड़ा, वो पता नहीं अपने आप डांस कर रहा है। आप चल के जरा देखो, वो प्रभु देवा है जो आधी रात को डांस कर रहा है। चद्दर ओढ़ कर सो जाओ ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो ना, मैं सच कह रही हूँ, उठो। देखो उठाने पे लगी रहती हो। अरे ये क्या हो गया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं गिराया, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं ठीक हूँ। किसी को बताना नहीं तुमने मुझे नीचे पटकाया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। देखिए देखिए कैसे हिल रहा है, मैंने कहा था ना वो घोड़ा अपने आप हिल रहा है। चाहिए मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मत मत छुओ उसे, जरूर इसमें कोई भूत है। अरे कहाँ जा रहे हो, आगे मत जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, मैं और एक शादी नहीं झेल सकती, आ जाओ ना। हवा से हिल रहा था। आपने खिड़की बंद कर दी, इसने हिलना बंद कर दिया। घोड़ा हिल रहा था, तबड़क तबड़क हिल रहा था। वही तो, जैसे ही खिड़की बंद हुई हिलना भी बंद। तो यही चीज तुम पहले नहीं समझ सकती थी, पर रात एक स्टूपिड सपना देखकर मेरी नींद खराब कर देती हो। सॉरी माफ कर दो, रोज एक ताजा बेवकूफी करके मुझे सॉरी बोलती हो, फिर ऐसी हरकत की ना तो खींच के थप्पड़ लगाऊंगा। साइड हटो। भूत से भी कोई डरता है? लगता है नींद में था इसलिए भ्रम हुआ होगा। कम ऑन मोहित, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या हुआ, डरी क्यों? मुझे वहां अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? किसी को बताना नहीं है कि मैं डर गया। नहीं चलो। मम्मा जिसकी भी पूजा करा दो ताकि मैं कभी क्लीन बोल्ड ना हूँ। राघव ये नारियल फोड़ दे बेटा। ओके। क्या हुआ? टाइल्स नहीं फोड़ना है, नारियल फोड़ना है। मुझे और कोई जगह नहीं दिख रही है। ले मेरे सर पे फोड़ ले बेटा। एज यू शमकार। गधी के बच्चे पागल है क्या, जा जाके बाहर फोड़ के ला। मम्मा इसे फोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना। ये ले जा इसे फोड़। ये सही है, क्या दिमाग पाया तुमने, अभी एक का चार करके लाता हूँ। पकाओ। यप।
एक ही शॉट में फोड़ दोगे या फिर पूरा ओवर चाहिए? क्रिकेट बॉल हो या नारियल, पहले ही बॉल में छक्का मारना मेरी आदत है। तोड़ दिया तो क्या दोगी? तुम्हारी स्माइल से हिंट तो मिली गई है। What a power! Super! क्या हुआ राघव, नारियल फोड़ दिया या अभी भी ट्राई कर रहा है? ये क्या किया? दो टुकड़े करने को कहा था, तूने तो 200 कर दिए। आंटी, आपकी बेटी के पास तो सुपर पावर है, एक कराटे चॉप और नारियल के पीसेस कर दिए। मुझे आज ही पता चला कि मुझ में कोई सुपर पावर है। किसी दिन तेरा पावर ही कट कर दूंगी। अय्यो रामा, अब क्या करूँ? पता नहीं घर में दूसरा नारियल है भी या नहीं। प्रिया जा, जरा अंदर जाके देख कर आ तो दूसरा नारियल है। गो 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 राघव, दिखाना है तो लव में पावर दिखाना, इस नारियल में क्या पावर दिखाता है? आरती लीजिए। ये तो होना ही था। पुजारी जी, जैसे हम लोगों ने हाथ बढ़ाया, कपूर क्यों फुस से उड़ गया? कोई गड़बड़ है क्या? सासू माँ, हमारा पूरा टाइम शुरू हो गया। भयभीत मत होइए, इसका उपाय है। ठीक है। ये लीजिए, इसे देवी के चरणों में रख दीजिए। सोते समय इस नींबू को तकिए के नीचे रखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी पंडित जी, धन्यवाद पंडित जी। आंखों वाला नारियल शिव को अत्यंत प्रिय है। उस नारियल को हाथ में लेकर आंखें बंद करके उन्हें याद करें और उसके पश्चात नारियल को घर के बीचों बीच रख के उसके आगे हाथ जोड़ें। यदि आपके घर में सचमुच कोई दुष्ट आत्मा वास कर रही होगी तो ये नारियल धीरे धीरे उसी दिशा में घूमने लगेगा और ठीक आत्मा वाली दिशा में जाकर रुक जाएगा। यदि आप मेरे बताए विधि का अनुसरण करोगे तो इसकी 50% पुष्टि हो जाएगी कि आपके घर में किसी दुष्ट आत्मा का वास है। स्वामी जी 50-50 खेल रहे हैं। स्वामी जी, कुछ ऐसा बताइए ना जिससे 60-70% पता चल जाए दक्षिणा जाने के लिए ना। वो भी बताता हूँ। घर में मिष्ठान बनाइए और श्रद्धा से भोग लगाइए
फिर उसे घर के बीचों बीच में गाय के लिए रख दें। यदि आपके घर में आई हुई गाय उस प्रसाद को नहीं खाती है और भाग जाती है तो आपके घर में उस दुष्ट आत्मा का उपस्थित होना 75% बिल्कुल तय है। सासू माँ, ये तो 75% बोल रहे हैं, 100% की बात करने बोलो ना। 100% के लिए क्या करना पड़ेगा पंडित जी? सबसे पहले घर में रोशनी के लिए आपने जो भी जलाया है उसे बंद कर दें, चाहे वो CFL हो या फिर LED हो। इसके बाद एक दीपक जलाकर उसे घर के बीचों बीच में रखें, चाहे आप रखें या फिर घर का कोई भी सदस्य रखे। फिर दिए के सामने परिवार का वही सदस्य रक्त की एक बूंद लव को समर्पित करें। और सुनिए, इसके पश्चात वहाँ खड़े मत रहिएगा। विधि के पूरा होते ही परिवार के सब लोग घर से बाहर निकल जाइएगा। सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दीजिएगा। यदि रक्त की बूंद वहाँ से गायब हो जाए तो फिर उस दुष्ट शक्ति की उपस्थिति आपके घर में 100% है। 100% आइयो, ये तो बहुत डिफिकल्ट है स्वामी जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई शॉर्टकट बताइए ना स्वामी जी। नहीं माता जी, नहीं है और कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है, अब आप जाएं। पूरी बॉडी वाइब्रेशन मोड पर है, पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा। रखना जल्दी, रख अपने हाथों से रख। सासु माँ, शुरू हो जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। घर में भूत नहीं है। तो 50% कंफर्म हो गया कि इस घर में भूत है। What else? Now what else? Next test. अगर घर माता ने कंफर्म कर दिया तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ भूत हुआ तो My dear cowboy, please bring our cow ma. आओ गौ माँ, COW काऊ माँ, आओ और ये प्रसाद ग्रहण करो और इस घर से भूत को बाहर ले जाओ। शुद्ध देसी घी में बना इम्पोर्टेड फ्रूट्स वाला खाना खा लो। नहीं खाया? खा ले ना। आजा आजा, खा ले। अरे पकड़ो भाई, अरे पकड़ो पकड़ो भाई, लेकर आओ ना, कहाँ जा रहे हो तुम? जल्दी करो, उस घर में जरूर कोई बुरी आत्मा है, भाग जाओ यहाँ से। ये हम जानते हैं, कुछ नया पता। सासू माँ, चाहिए हम यहाँ नहीं रहेंगे, गांव जाकर खेती करेंगे। चलो, मैं खेत में हल नहीं चलाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? ये मेरे प्रिय पति का घर है, नहीं जाऊंगी। तो क्या करें? एक टेस्ट अभी और बाकी है, उसे ट्राई करें, उसमें 100% कंफर्म हो जाएगा कि इसमें भूत नहीं है, फिर हम खुशी खुशी इस घर में रह सकते हैं। हे बहू, मेरी गुड़ से भी मीठी बहू, क्यूटी पाई। ए बेरी, बोल जुड़ा। थोड़ा सा काम रे, सन मांग रही हो ना। बक बक करने बंद करो और चलो। अरे कहाँ जा रही है, मुझे छोड़ के? दिखता नहीं है बुढ़िया, मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ। करंट देवता, हेल्प मी। हे भगवान, दिया जी प्लीज मत पूछना, आप क्यों रोशी की इज्जत करने वाले? रिफाइंड तेल डाला है असली वाला। रख 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 रख।
कहाँ जा रही है? खून तो देती जा। मैंने तो की सारा खून तो तूने चूस लिया बुढ़िया। रानी बहू, नहीं प्यारी बहू, मेरे लिए तो अपना खून नहीं देगी। ए खून खून, ए इधर देख 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 देख, ए तू सा खून, बस काम खत्म। काम खत्म नहीं, मेरा काम तबाह हो जाएगा। ऊपर वाले इस बुढ़िया को हटा दे, लगे दे। कहाँ गई मेरी पिंक? अरे पिंक, कोई पेटीकोट में लगाता है क्या? ब्लाउज में देख बुढ़िया। हाँ तेरी ब्लाउज। अरे मेरे ब्लाउज में नहीं, अपने ब्लाउज में देख। मिल गई। अरे बुढ़िया, इसकी पिन निकालने से पहले मेरे प्राण निकल जाएंगे। जल्दी कर बुढ़िया। क्या वरना खून नहीं दूंगी। हेल्प कर रहे, नहीं निकल रहा। मुझे क्यों मारा? पिन नहीं निकाल तो तेरा मर्डर कर दूंगी। सासू माँ का मर्डर करेगी। बहू से तो बहुत चला दिया। भूत तो बाद में मारेगा, पहले ये मुझे मार डालेगी। मैं यहाँ बलि देने वाली हूँ, पर तू मुझे पिन नहीं दे रही है। अगर भूत ने मुझे कुछ किया तो मैं तुझे बहुत कुछ करूँगी। ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रही है? शांत होकर मेरी बात सुनिए। आप शांत होंगी तब तो कुछ बताऊंगा। बहन जी, माता जी, सिर से पल्लू हटाकर मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग चुप होंगी कि नहीं? आप सब सिर्फ रोती रहेंगी और कुछ बताएंगी नहीं, तो मैं उपाय क्या बताऊंगा? स्वामी जी, मैंने खुद अपनी दोनों आंखों से उसे दिए की तरह बढ़ते देखा और उसने चटनी की तरह चाट लिया उस खून को। कुछ भी करके उस भूत को हमारे घर से भगाइए। अगर आपने उसको भगा दिया तो मैं आपको हलवा पूरी खिलाऊंगी। देखिए माँ जी, मैं उन ढोंगी पुजारियों में से नहीं हूँ जो भूत भगाने का नाटक करके लोगों से पैसे ठगते हैं। शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसमें माहिर हैं। आपको उनसे मिलना चाहिए। स्वामी स्वामी जी, कैसी बात कर रहे हो? जब हमने भूत पता करने का रास्ता पूछा तो आपने एकदम क्लियर तरीका बताया, और आज जब कंफर्मेशन मिल गया तो आप पीछे के रास्ते से कल्टी मार रहे हो। देखिए बुरा मत मानिए, मैं जान चुका हूँ कि ये मेरे बस के बाहर है, फिर मैं इसमें क्यों पड़ूं? बहू, ये पुजारी तो हमसे भी ज्यादा डरपोक निकला। ए, क्या बोल रही है? मैं भगवान का पुजारी हूँ, कोई तांत्रिक नहीं। जाइए जाइए यहाँ से, जाइए और किसी अघोरी को ढूंढिए। चलो सासू माँ। उल्लू की पट्टी। जय जवान, जय किसान। गैरा दीपिका, करीना, प्रियंका की। कौन है ये? हमारी रिश्तेदार, हमारी कुल देवी है। स्वामी जी, वो पुजारी तो बहुत ही डरपोक निकला। अंदर जाके भूत को भगाइए ना आप। तो अवश्य अवश्य, आप अंदर जाके एसी ऑन कीजिए। अभी मोटी, कल जेल से छूटने के बाद मंदिर में खाना खाना पड़ा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? लगता है भूत भगाने वालों की बहुत डिमांड है। लगता है अपना धंधा चल पड़ेगा, अपनी निकल पड़ेगी। सही कहा, उधर जेल में मैं तुम्हारा बॉस था, यहाँ तुम शिष्य और मैं गुरु। लेट्स मेक सम मनी, फॉलो मी। फ्रंट डोर की बजाय बैक डोर से एंट्री क्यों करवाई? फ्रंट डोर पे बहुत वॉचमैन बन के बैठा है, अगर हमने वो खोला तो हमें जब्त हो जाएगा, इसीलिए हमने आपकी सेफ एंट्री करवाई। बॉस, ये दोनों लोहे की बनी लगती है। स्वीट ऑफ यू, आप दोनों कितने इंटेलिजेंट हैं। स्वामी जी स्वामी जी, आप दोनों अंदर भूत भगाइए, हम दोनों बाहर इंतजार करते हैं, कैश लेके इंतजार। यार मोटू, इन्होंने तो हमें अंदर ही छोड़ दिया।
वैसे तो मैं भूतों में यकीन नहीं करता, पर यहाँ आके थोड़ा थोड़ा होने लगा है। गुरु हा? मैंने फिल्मों में भूत भगाने वाला सीन बहुत बार देखा है। हम लोग भी वैसे ही सेम टू सेम एक्टिंग करते हैं। भूत भगाने का झूठ मूठ का नाटक करेंगे और पेमेंट मिलते ही यहाँ से छू मंत्र हो जाएंगे। मतलब भूत भगाना इतना आसान है? सिर्फ किसी की आवाज सुनाई दी, टचिंग का एहसास नहीं हुआ क्या? मैंने तो किस किया पर मुझे तो नहीं मिला। प्रेम मम्मी बचाओ, यानी कि मैंने किसी भूत को किस कर दिया। अब निकलते यहाँ से। बगैर पेमेंट हम कहीं नहीं जाएंगे। आप जादू करना, मैं टो ना करूंगा। आई सेड सिट डाउन। पैरों से जाएंगे चार कुंडों पर, पता नहीं। अब तू शुरू कर। तुझे भूत भगाने का मंत्र आता है कि नहीं? क्राइम के हिसाब से हर बार परफेक्ट हथियार लाता हूँ। ये जादू मंत्र टोना तंत्र की किताब पढ़ेंगे तो भूत क्या भूत का बाप बन जाएगा। सुने, भूत के पैर उल्टे होते? पैर भी नहीं होते, मतलब जूते के पैसे बचते। अब शुरू करो। ए, लगता है तुझ पे भूत सवार हो चुका है, वरना तू ये फिल्मी गाने क्यों गाता है? ओ, आज जिंदगी में पहली बार गलती है। कोई प्रॉपर मंत्रों वाली किताब निकाल। कोई गधा ही इसे असिस्टेंट बनाएगा। फिर से इरशाद। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा बार ना जाए खाली, भर दे जोली हमारी खाली, आए हैं सवाली। गुरु आवाज क्यों बदल रहे हो? मैंने तो मुंह तक नहीं खोला। गुरु, लगता है मेरा झूठा मंत्र सच्चा पड़ गया। मोटू, तू गुरु दक्षिणा में मुझे अपनी बलि दे दे। गुरु, खुद की बलि देकर तुम तीन लोगों को जीवन दान दे सकते हो। कौन है वो तीन लोग? मैं, मेरी इकलौती बीवी और मेरा बच्चा। तेरी बहन। मोटू, मैंने तुझे मारा, पर मुझे किस लिए मारा? मैंने कुछ नहीं किया। जरूर उस भूत ने मारा होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इसके दर्शन बहुत बार कर चुके हो रहे हैं। इसका मतलब वो भूत हमें तंग नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं, हम इसे नाले में बहा देंगे। पर आप दोनों ने अपने कपड़े क्यों उतार लिए? भूत की धुलाई के बाद कपड़े भी धो डाले। वो क्या है? वो बिना कपड़ों वाला भूत था, इसलिए हमने अपने कपड़े निकाले। वो खुश हो गया और उसने कहा कि वो इस घर के आसपास बिल्कुल नहीं भटकेगा। और हमने अपने लिए नए कपड़े फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिए हैं। मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे इसे क्या हो गया? एक बार मैंने ऐसे ही कौवे को करंट लगकर नीचे गिरते हुए देखा था। मेरे चेले के बारे में कोई अनाप शनाप मत बोलो। इसने भूत भगाने के लिए इतनी मेहनत की है कि अब आपको फीस डबल करनी पड़ेगी। ओके ओके, ये ले, एक गड्डी 1000 की और ला, दूसरी भी 1000 की और ला, और दो हजार के। अब जाओ, अब जाके घर में प्रवेश करो। जाओ 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 जाओ। हाँ हाँ, इसे कैसे भूल सकता हूँ, इसे तो नहीं जाऊंगा। ए उठ बे, अबे उठ बे, उठ साला। ऐसे एक्टिंग कर रहा जैसे ऑडिशन देने आया। चल जल्दी उठ, जल्दी उठ। मैं कौन हूँ? लगता है यादाश्त चली गई है। तू एक मंदिर का पुजारी है, तुझे वहीं छोड़ने जा रहा हूँ। अबे नाटक बंद कर और ये देख, फुल पेमेंट हो गई। हाँ। मेरा हिस्सा दे दो ना। तुझे हिस्से में ये मिलेगा। चला, लेट्स गो एंड रॉक द फ्लोर। मेरे कमरे में चलो जल्दी। मम्मा जाग जाएंगी, मैं नहीं आऊंगा। मैं गुस्सा हो जाऊंगी। राघव, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए ना तो मैं कभी बात नहीं करूंगी, चली जाऊंगी। सो गई। छोड़ो मुझे। अचानक मुझ पर इतना सारा प्यार क्यों आने लगा? कल मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम यहाँ मजे से खराटे ले रहे हो। ओके ओके, सॉरी 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 जानू। देखो मैंने 3 बार सॉरी कहा, अब तुम एक बार किसी दे दो। हे, तुम यहाँ? हे, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुमसे
से बात कर रही हो? क्या कर रहे हो? तुम मुझे ये समझाओ कि तुम बाथरूम में से कैसे निकली। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए। मम्मी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मम्मा क्या सोचेगी? आराम से घोड़े बेच के सो रहा था, खर्राटे भर रहा था, और तुम मुझे यहाँ लाकर मेरे साथ डबल रोल का खेल खेल रही हो। मैजिक शो वो चल रहा है क्या? क्या कहा? मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। लगता है मेरे प्यार में तुम पूरी तरह पगला गए हो। जैसे फिल्मों में होता है ना कि हीरो को हर जगह हीरोइन दिखती है, तुम्हारे साथ भी यही हुआ। अरे उनका प्यार है कटिंग चाय और हमारा इश्क रस मलाई। तुम्हारा इश्क रस मलाई नहीं बल्कि पानी कम चाय है। अब चलो यहाँ से जाओ, निकलो। अरे प्रिया, कहीं मैं तुम्हारे इश्क में वाकई पागल तो नहीं हो गया? राघव अब जाओ। अरे राघव बेटा, नींद कुर्बान करके आया तो एक किस्त तो बनती है। प्रिया मैं सोने जा रहा हूँ, चलो मुझे गुड नाइट किस दे दो। प्लीज प्लीज, एक किस, एक छोटी सी किस, प्लीज 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 प्लीज। प्रिया, जैसे ही घर पहुंचो ना मुझे फोन पे व्हाट्सएप करना। ये रास्ते के लिए खाना, बाहर से लेके मत खाना। एग्जाम के लिए अच्छी पढ़ाई करना। क्या रे बहू, तू ही बात करती रहेगी क्या? इन दोनों को भी तो बात करने का मौका दे। भूल गई। तुम बात कर लो, मन की बात कह दो। बातें करने से क्या होता है? प्रिया तुम जा। तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते? मुझे जो कहना था कह चुका, अब बार बार क्या कहना? क्या बात है, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाभी, इसके एग्जाम्स आने वाले हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ए ड्राइवर, गाड़ी निकालो। दीदी अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने की कोशिश भी मत करना, समझे? गुड बाय ड्राइवर। चलो। क्या बात है, किस बात पे गुस्सा है तू उससे? ऐसी कोई बात नहीं मामा। ये सब छोड़, याद है आज भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है, हम उनके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, चल रहा है ना तू? तो जल्दी कर। बोलिए मैडम। बढ़िया डिजाइनर साड़ी बताइए, महंगी होनी चाहिए। हाँ 50,000 की होगी तो भी परवाह नहीं। तू ऐसे क्या देख रहा है, फुटपाथ पे से ली थी 150, तू कमाता नहीं ना इसलिए। ताने मारने के लिए यही जगह मिली। सही तो बोल रहे हैं। 5,000 के ऊपर वाली दिखाइए। ये देखिए, ये लेटेस्ट है, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी देखिए, एक भी पसंद की नहीं। ये नया कलर आया है, कोई कलर पसंद आया आपको? और देखते हैं। सुनिए सुनिए, वो रेड वाली जरा दीजिए। ये लीजिए रेड वाला। ये बहुत अच्छी है ना? ये माँ, ये देख कैसी है ये। वो वाली भी दीजिए जरा। हाँ मैं जच रहा हूँ ना, कितनी अच्छी है ना ये। अच्छी है ना भाभी। ओ सैया जी, वो वाली देना जरा।
ले लीजिए। हाय हाय, कितनी मुलायम है देखो। ए मामा, ए सारी लाल लाल साड़ियां क्यों निकलवा रहा है? ए तुझे लाल चाहिए? नहीं, आप चुप रहिए, इसे पसंद नहीं तो क्या, मुझे तो पसंद है ना। मम्मा देखो मुझ पर कैसी जच रही है ना मम्मा, भाभी देखो ना कैसी उठ रही है मेरे बदन पे। हाँ प्रीतम वो वाली लाओ, वो लाल वाली, हाँ वो दे दो मुझे, सारी लाल मुझे दे दो। हाय हाय कितनी जच रही है मुझ पे। हाय तमाशा क्यों कर रहे हो, गंदा मजाक बंद करो। हे पिछले जन्म में सांड था क्या जो लाल साड़ी पसंद आ रही थी? तुझे जलन हो रही है बुढ़िया, जा मैं तुझसे बात नहीं करती। जरा एक तरफ हो जाना बहना, मैं भी ट्राई कर लूं एक साड़ी। दीदी फाड़ फाड़ के मत देख वरना यही नंगी हो जाऊंगी। माटी मिली। सुन तो ये बता, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? और ये बॉर्डर भी अच्छी है ना, मैं खूबसूरत लग रही हूँ ना? अरे घूर क्या रही है, चल जा यहाँ से। क्यों मेरे हैंडसम, जरा बता तो कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाप रे, तेरी बीवी से भी खूबसूरत हूँ ना। अरे राघव क्या हो गया तुझे, कितने सालों बाद अच्छी साड़ी पहनने का मौका मिला और तू ऐसे कर रही है। अरे राघव शर्म नहीं आती तुम्हें, क्या कर रहे हो, जल्दी से उतारो साड़ी। मुझे शर्माने की क्या बात है, मैं पूरी ढकी हुई हूँ। अचानक क्या हो गया तुझे जो औरतों की तरह साड़ी पहन के मटक रहा है, चल उतार इसे। अरे उतार, पल्लू गिरा रही है मेरा, ये साड़ी तुझ पर नहीं जचेगी बुढ़िया, इसलिए जल रही है तू। मैं जल रही हूँ? आपने मुझे मारा? हाँ मारा। किस लिए मारा? अपने आप को देख। हाँ ये सब क्या है, साड़ी पहनाकर मेरा तमाशा बना रही है? अरे राघव पागल हो गया तू? हाँ क्या कहा, मैं पागल हो गया हूँ जो साड़ी पहनूंगा? मैं तो आप लोगों के लिए साड़ी पसंद करने आया था और आप लोगों ने मेरा मजाक बना कर रख दिया, देख लूंगा आप लोगों को बेवकूफ कहीं के। सदा अपने सुहाग का ख्याल रखती रहो। शुरू हो जाओ। सुनो 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 ना, कोई आवाज आ रही है, उठो ना उठो ना। कुंभकर्ण कहीं के ज्यादा लाल है ना? हाँ बता, हे बता मुझे, बोल कैसी लग रही है? हाँ बोलती क्यों नहीं? सुनो जी उठो उठो ना। नहीं नहीं चूना नहीं, सीमेंट लगा। अरे कंस्ट्रक्शन बंद करो, उठो उठ जा कुपकरण। क्या हुआ, क्यों चला रहे हो? जरा अपने लाडले भाई के घर धोते देखो। अरे बाप रे, प्रॉब्लम क्या है? कल लकड़ी का घोड़ा भाग रहा था, आज कह रही हो मेरा भाई गुल खिला रहा है, अपने दिमाग का इलाज करवा लो तुम। मैंने आपसे कहा था ना कि दो दिनों से मेरी लाल चूड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। आपका भाई वो चूड़ियाँ पहन कर बैठा है और वो उन्हें ऐसे ऐसे करके चनका रहा है, मैंने देखा, चल के देखो। अगर वो चूड़िया खड़काते हुए नहीं मिला तो तुम्हें मैं यहाँ खड़का दूंगा। अरे चल के देखो तो सही पता चल जाएगा। हाँ
कहाँ है वो? यही था, कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूँ? कहाँ गया? काड़ा करेगी क्या मुझे? कहाँ चला गया? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। राघव कहाँ? हे, मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होगा। चलो मेरे साथ, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। चलो। यही था। आओ मेरे साथ, दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, देखो राघव कैसे छोटे बच्चे की तरह सो रहा है। अब घुमा कर दूँ क्या? चलो, जाके सो जाओ। चलो। इन्हें क्या हो गया? इनमें भी भूत आ गया क्या? इन्हें नींद में बोलने की आदत है। तुम चलो, जल्दी चलो। मुझे लगा भूत है। राजा। हाँ भैया। ये काव्या कहाँ रह गई है? मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, जरा जाकर देख कहाँ है वो। उसी ने तो बताया कि आपने उसे फोन करके गेस्ट हाउस बुलाया था। अरे मैंने कब उसे फोन किया, कब उसे आने को बोला? जा जाके ढूंढ उसको। ठीक है। पता नहीं बिना बताए जाने किसकी आदत कब बदलेगी। भाभी अब इसे क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों बुला रहा है? इधर आइए ना। आ रही हूँ, आ रही हूँ, रुको। हे भगवान मुझे बचाना। बोलो राघव। मेरे बाथरूम का गीजर काम नहीं कर रहा। हाँ। आज के लिए आपके बाथरूम में नहाऊं? हाँ नहा लो, आओ नहा लो। एक बात पूछो। हाँ। आज तो बड़ी सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हो, कल रात को तुमने मेरी चूड़ियाँ पहनकर मुझे क्यों डराया? मैंने? हाँ। आपकी चूड़ियाँ पहनी? हाँ। और आपको डरा रहा? हाँ। जाके अपने दिमाग का इलाज करवाई। बात करती इलाज तो इसका करवाना पड़ेगा। भाभी क्या 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 हुआ? जाके नहा लीजिए। निशान कैसे हैं? ये सब क्या है? ये राघव औरतों की तरह हल्दी से नहा कर गया है। सुनिए जानकी। अरे क्या आफत आ गई? ऑफिस पहुंचाने के फोन कर दिया। तुम्हारी वजह से आज मुझे बॉस की डांट खानी पड़ी। ना घर में ना ऑफिस में शांति से जीने दोगी। कल रात को बोला मेरा भाई चूड़ियां पहन के छत पे छन पकैया कर रहा है। आज फोन पर कहा कि वो साबुन की जगह हल्दी से नहा रहा है। मुझे जल्दी घर आने को कहा। खुद तो पागल हो, मुझे भी कर दोगी? अरे रे रे रे, क्यों बेचारी पे चिल्ला रहा है? वो जो कह रही है सेंट परसेंट करें कह रही है। अब आप भी इसकी तरह बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? अयो, मैं भी जानकी को गलत समझ रही थी। वो मुझे बाथरूम लेकर गई और हम दोनों ने खुद देखा कि वो हल्दी लगा रहा था, तब मुझे यकीन हुआ। अयो, उसके पूरे बदन में हल्दी थी। जहाँ भी वो अपने बेबी स्टेप्स रखता वहाँ हल्दी, सिर्फ हल्दी। पता नहीं मेरे लल्ले को क्या हो गया। कृष्णा तू ही बता, क्या हम दोनों तुझसे झूठ बोल रहे हैं? इस वक्त वो कहाँ है? मुझे क्या पता। घर कब आएगा वो? जब टाइम होगा आ जाएगा। ठीक है आने दो उसे। आपको लगता है वो आदमी होके साबुन के बजाय हल्दी से नहाएगा? वही तो। कैसे यकीन कर लूं मैं? देखा ना, मैं हल्दी लगाते दिखा दूंगी मैं। हाँ ठीक है आने दो उसे, उसे नहाने भेज देंगे। और जैसा तुम कह रहे हो, उसने अगर हल्दी नहीं लगाई तो मैं तुम दोनों को देख लूंगा। आप मेरी माँ है और ये मेरी पत्नी, ये भूल जाऊंगा और हिमालय पर चला जाऊंगा मैं। चिकन की टंगड़ी चाहिए? देखो देखो वो आ गया। राघव इधर आना। कहाँ गए थे तुम?
एक दोस्त के घर। काफी थके हुए लग रहे हो तुम, खाना खाया? नहीं अभी नहीं खाया। जाओ नहा के फ्रेश हो लो फिर खा लेना। अरे राघव जरा सुन तो, तेरे बाथरूम का गीजर अभी ठीक नहीं हुआ है, मैकेनिक नहीं आया ना। तुम एक काम करो मेरे बाथरूम में जाके नहा लो फिर आके खाना खा लेना। हाँ जाओ। ठीक है। सुनो वो गया। बच्चों खाना खत्म हो गया ना, चलो जाके सो जाओ। चलो चलो गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चल 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 जल्दी चल। ए चलो भी चल ना। चलो पिक्चर अब शुरू होने ही वाली है, मैं खिड़की खोलती हूँ। सुनो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दिया। कितनी छोटी हाइट है, क्या खा के पैदा किया बुढ़िया ने। इसको हटा यहाँ से। इस पर चढ़ जाओ। रुको देर तक उस हल्दी को घूरता रहा, फिर चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। मैंने कहा था ना पहले वो कटोरी को देखेगा फिर मुंडी घुमा के यहाँ वहाँ देखेगा, जब आसपास कोई नहीं होगा तो वो पूरे चेहरे पर हल्दी लगा लेगा, फिर औरतों की तरह पूरे बदन पर हल्दी लगाएगा। ये सीन मिस मत करना, यही तो क्लाइमेक्स है। चलो चलो खड़े हो जाओ। पुश पुश। अरे इतना वाइब्रेट तो ये मेरे पेट के अंदर भी नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। अरे ठीक से पकड़, इसको गिरेगा तो हम लोग दब के मर जाएंगे। क्या क्या कर रही हो, इतना हिला क्यों रही हो? अरे हम नहीं हिला रहे, तुम खुद हिल रहे हो। जवाब दे रहे हैं। ठीक से खड़े रहो ना। अरे मेरी कमर मल खा जाती। जानकी तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरा भाई रॉन्ग ट्रैक पर चला गया। मेरे खानदान की इज्जत इसने हल्दी में मिला दी, अब क्या होगा? मुझे भी देखने दे ये मंजर। यहाँ शो चल रहा है क्या? ठीक है। हाँ यहाँ ऊपर मुझे एक चिकन पीस दीजिए ना। हाँ, लो ना। बस बस बहुत है। ठीक है ठीक है। राघव क्या चल रहा है, ड्रामा कंपनी को ज्वाइन कर लिया? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? काफी दिनों से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, काफी अजीब बिहेव कर रहे हो। यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ भैया। भाभी का कहना है कि कल रात को मैंने चूड़ियां पहनकर इन्हें डराया, और अब आप पूछ रहे हैं कि मैंने ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली है। आप लोगों को क्या मैं जोकर नजर आ रहा हूँ? नहीं, तुम हमें जोकर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये पैरों पर हल्दी क्यों लगाई? इस तरह पैर छुपाने से क्या होगा? मैंने पूछा पैर पर हल्दी क्यों लगाई तुमने? मुझे नहीं पता। तो क्या हल्दी खुद जलकर तुम्हारे पैरों पर लग गई? जवाब दो भाई, क्या पूछ रहा है उसे? जवाब दो राघव, बोलो ना, हम सब जानना चाहते हैं। कह तो दिया मुझे नहीं पता। अब झूठ भी बोलना सीख गए। तुम्हें नहाते वक्त हल्दी का लेप लगाते हुए मैंने खुद देखा है। हाँ मैंने भी देखा है कैसे मलमल के हल्दी लगा रहा था पूरे बदन पर। मूर्ति बन के क्यों बैठे हो? बोलना जवाब दे। बोलो कुछ, बोलो भी, बोलो हल्दी क्यों लगाई तुमने? जवाब दो, जवाब दे। बोलो बता, कुछ तो बोल, फूट मुंह से। बताओ हल्दी क्यों लगाई, जवाब क्यों नहीं देते तुम मुझे? मैं तुम्हें बार बार पूछ रहा हूँ कि हल्दी क्यों लगाई, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दो मुझे, जवाब दो। हाथ उठाएगा।
कबला पर हाथ उठाएगा तू, मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझ पर शर्म नहीं आती कुंदे। तुझे मारेगा माटी में, तुझे मारेगा। छोड़ो, वो तेरे बड़े भाई हैं। भाई बड़ी पूछने वाली, मैंने क्या किया? एक औरत पर हाथ उठाता है, साला कमीना। पर तुझ पर हाथ उठाएगा तो तुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? औरत की आंखों पर हाथ डालता है छिछोरा। से किसने पकाया ये? मैंने नहीं पकाया। मैंने पकाया। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मजेदार खाना था बुढ़िया, बहुत लजीज खाना था। तुमने पकाया था क्या? मैंने पकाया था खाना। ए बेटे, आ रहा हूँ, आराम से खाओ। डैडी, इतना सारा किचन, इतना सारा किचन, इतने मैं खाऊंगा, इतने मैं खाऊंगा। पापा, किचन पकोड़ा। ये किचन नहीं है, चिकन है, चिकन। चुप करना बुढ़िया, चिकन। चुप कर। किचन पकोड़ा, किचन पकोड़ा। इसे खाओगे, खाऊंगा खाओ। किचन पकोड़ा, किचन पकोड़ा। पापा। हाँ बेटा। और चिकन दो ना, चिकन का पहाड़ तैयार करो, मैं उसे दिन भर खाऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। ए रामू, मेरा थोड़ा ला। पापा। क्या हुआ बेटा? मुझे जोर से सुसु आ रही है, मैं पहले सुसु करके चिकन खाऊं या चिकन खाने के बाद सुसु करूं? चुचू हो जाए उसके बाद चिकन खाना बेटा। ओके ठीक है, मैं इधर ही चुचू भी करूंगा और चिकन भी खाऊंगा। ठीक है, जिप खोल देता हूँ। अयो, जिप खुल गया। ठीक है, चलो बेटा। पापा, क्या हुआ? बीच में बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, इसको हटाओ ना। सुनिए जी, उठिए ना, उठिए। कितनी जोर से मारे तुम, नहीं उठ ही नहीं रहे। ए, तू काय को रो रही है? ये उठ नहीं रहे हैं। ओहो, हर दिन का सपोर्ट कर रही है, अभी तेरे को बताता हूँ।
बेटर को सपोर्ट करेगी। मैं और इसे सपोर्ट करूं? आप तू? नहीं नहीं, मैं नहीं जाती, इसे नीचे उतार दे प्लीज। अगर मुझे छोड़ूंगा तो इसे छोड़ेगी? हां छोड़ दूंगी, नीचे उतार। हे आनी नीचे आ। चिचन तो मेरे रुका, मैं चिचन करके आता हूँ। अभी मैं लेचन कर रहा हूँ। ए उसके बाद बी। पापा ए भी लिखा, अभी सी लिख दूँ? हाँ लिख दो बेटा। बड़ी चुगली खोर बन गई है तू, चमची कहीं की। ऐसा करके बड़ा मजा आता है ना? मेरा साड़ी पहनना, चूड़ियां पहनना, हल्दी का लेप, कुमकुम लगाना, नहाना खाना, सब तुझे खटकता है क्यों? काट के रख दूंगा, आगे से मुंह खोला ना तो टुकड़े कर डालूंगी तेरे। एक जरूरी काम पूरा करके ही जाऊंगी। अब अकल ठिकाने आई, मुझसे पंगा ना लेना। मुझे दो मिनट दे दे, जाना है। कहाँ जाना है? जोर से आ। मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। अरे कब से बैठी हूँ, टैंक फुल हो गया है मेरा, जाने दे, जाने दे मुझे। अगर आप मुझे छोड़कर चली गई तो देख लेना, मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। कैसी बात कर रहा है बेटा, तुझसे अच्छा तो भूत था। बाथरूम जाने से पहले पूछा, अम्मा क्या मैं बाथरूम जाऊं? और तू है कि मुझे टकरी दिखा रहा है, नहीं जाने दे रहा है, मुझे जाना है। मम्मी मुझे सामने ना कुछ दिखाई दे रहा है, बाथरूम का काम यही हो गया। आप मुझे छोड़कर बाथरूम गई तो मेरा क्या होगा? जानकी ऐसे विधवा वाले एक्सप्रेशन मत दो, वैसे ही मरने वाली फीलिंग आ रही है। स्वामी मुझे माफ करना, वो क्या है ना, आजकल मेरे एक्सप्रेशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरी एक सहेली ने मुझे फोन पर बताया कि राघव दरगाह जाएगा तो ठीक हो जाएगा, चलो उसे लेके चले। अरे खाली मुंह क्यों हिला रही है, म्यूट हो गई क्या, साउंड नहीं है? अपने लाडले को आवाज लगाओ। कौन मैं? आवाज लगाओ। जाओ राघव, ऐसे नहीं, जोर से लगाओ। राघव जोर से, और जोर से लगाओ, पकड़ के रखना मुझे। राघव क्या हुआ मम्मा, आपने मुझे बुलाया क्या? मम्मा आपको पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, फिर भी आप मुझे छोड़कर चली जाती हैं। भैया वो क्या हुआ, इनके टेढ़े हाथ मुंह देख के ऐसा लगता लकवा मार गया है ना? और ये भभूत लगा के क्यों रखी है माथे पे, कोई आत्मा का साया तो नहीं इन पर? आज रात को ना लकवे के मरीजों का फैशन शो होने वाला है, इसलिए। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा, आप इतना डर क्यों रही हैं? और भैया को आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गई? बात ये है कि डॉक्टर को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए इसे दरगाह पे ले जा रहे हैं। दरगाह में ये एक फूंक पे ठीक हो जाएगा, तो चलेगा ना हमारे साथ दरगाह पर? मैं जरूर चलूंगा मम्मा, कल रात से बॉडी में अजीब सा पेन हो रहा है, जैसे 10 लोगों ने मिलकर धुलाई कर दी हो। धुलाई इसने हमारे क्यों दर्द से हो रहा है? तो चल रहे ना, चल चलिए चलिए, कदले तुम चढ़ाई जा, कर चलो चढ़ा मम्मा, क्या है चलो ना। सासू माँ आप चलिए, मैं बोल लेकर आती हूँ।
मुझे अकेला छोड़ के जाएगी। राघव आ जा बेटा। बेटा राघव इन्हें छूकर दुआ ले लो। हाँ करो करो। बेटा राघव अंदर चले, आ जा अंदर हमारे साथ। ए, चलना अंदर। ए, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चलना अंदर, चल बोल रही हूँ मैं। ए, पकड़ इसको और अंदर ले चल। अरे पकड़ इसको, लेके चल इसको अंदर, मुझसे नहीं खींच रहा, चल। छोड़ मुझे। अरे क्या कर रहा है, इसको धक्का दे अंदर लेके चल। अरे तू क्यों गोल गोल रहा है? अरे क्यों किया क्या? अरे तेरे लगने का नाटक बंद कर, इसको धक्का बाहर ले चल, इसको जल्दी अंदर। अरे राघव, राघव मैं तेरी माँ हूँ, राघव पहचान मुझे। राघव अब यहाँ तक आ गया है तो अंदर चल, आ जा बेटा। मुझे अंदर नहीं आना, मुझे अंदर नहीं आना। आ जा राघव, छोड़ बेटा, छोड़ मुझे। बहुत अच्छे लोग हैं अंदर, आ जा, आ जा। अरे कहाँ ना? बाबा जी, मेरे बेटे की रक्षा करो। Hey, मैं बुला रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ आओ। मैं नहीं आऊंगी। मेरे बुलाने पे जो तू नहीं आई तो सोच ले तेरा क्या हाल होगा, तेरा हाल बेहाल होगा। नहीं, नहीं। मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, मान ले मेरी बात। अभी भी वक्त है, निकल जा बाहर, वरना तेरी भटकती हुई रूह को कभी चैन और सुकून नहीं लेने दूंगा। आ जा, मान ले मेरी बात, बाहर आ जा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा, तो जल्द तैयार हो जा। आसमान के सितारों से, धरती के किनारों से, बहती हवा से, रूहानी ताकतों के एक कसर से हम तुझे जला के राख कर देंगे। आसमान के सितारों, धरती के किनारों, बहती हवाओं, रूहानी ताकतों, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ और अपने एक असर से इसे जलाकर खाक कर दो। आसमान के सितारों, धरती के किनारों, बहती हवाओं, रूहानी ताकतों, आओ और इसे यहाँ से ले जाओ। अरे ओ डरपोक, कहीं की डर कर भाग गई ना तू? जा चली जा, तुझे कैसे काबू करना है मुझे आता है। क्या हुआ बाबा जी? होना क्या था, डरकर भाग गई वो आत्मा। अब हम क्या करें? जैसा मैं कहूँ वैसा करो। थैंक यू, कम ऑन डार्लिंग। आज भी तुम्हारी पसंद का रूम है। ओके डियर। हाँ? कर रही है, पता नहीं क्यों। तुम्हें डर लग रहा है क्या? ये तो वायर लूज होने की वजह से हो रहा है, मैं तो समझ रहा था कोई भूत का चक्कर है। Oh!
क्यों बाबा, दरगाह छोड़कर यहाँ क्यों आए? तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली, मेरे जैसे भूत प्रेत आना बंद हो गए क्या? हाँ, हैरान हूँ कि उस दिन दरगाह से भागने वाली आज खुद चलकर क्यों आई? क्योंकि वह बाबा की मजार थी। यहाँ मेरा साम्राज्य है। हाँ हाँ, शुरू हो जाओ। आसमान के तारों से, धरती के किनारों से, बहती हवाओं से, रूहानी ताकतों के असर से, आसमान के तारों से, धरती के किनारों से, पढ़ना बंद कर। तू कुछ भी कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बता, तू सलीम को जानता है? गांधीनगर गली नंबर 2 के कोने वाले मकान में रहता ना तू? कल ही तेरी बेटी की शादी हुई और आज उसकी सुहागरात है। अगर तू चाहता उसका शौहर सलामत रहे तो ये पढ़ना बंद कर और यहाँ से चलता बन। हाँ, मेरा जलवा दिखाऊं तेरे को तो देख ले, तेरी बेटी फर्स्ट नाइट को उसके शौहर के कमरे में जा रही, उसके आगे तो खुद ही देख ले। मेरी बेटी 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 है, पढ़ के उसको बचा ले तू। खामोश मत हो, ऐसे ही पढ़ते रहो, ये इसके फरेब का जाल है। जल तू जला तू, आई बला को टाल तू। जल तू जला तू, आई बला को टाल तू। जल तू जला तू, आई बला को टाल तू। या अल्लाह रहम फरमा, मेरी बेटी को बचा। या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा। उसे छोड़ दो, मैं तुझे माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी को कुछ मत करो। तुम मेरी बात मानेगा ना? तो ले मेरी बेटी। ए, बैठे बैठे उसकी मौत का तमाशा देखेगा क्या? जानो। हाँ, मैं जाता हूँ। मेरी बेटी को कुछ मत करना। मेरी अरे अरे अरे, रुक जा रुक जा, मत चल उसके फरेब के जाल में, मत फंस। चुप क्यों हो गए? पढ़ते रहो। आसमान के तारों से, धरती के किनारों से, आसमान के तारों से, धरती के किनारों से, क्या ताड़ रहा है? कैसी है? उसकी फोटो दिखाओ। करीम भाई, बंद करो और उठ जाओ और निकल लो। रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। आसमान के तारों से, धरती के किनारों से। इसे वापस लगवा मार के क्या?
टेढ़ा क्यों हो रहा है तू? शैतानी आत्मा, तूने उनको डरा कर भगा दिया। तू मुझे भी जान से मार सकती है, लेकिन मैं इस पाक पानी से इसके शरीर को तेरी दुष्ट आत्मा से निजात दिलाकर रहूंगा। आसमान के तारों से, धरती के किनारों से, बहती हवाओं से, रूहानी ताकतों के असर से। रेंदे, अगर ये बात है तो तू उस लड़के के शरीर से बाहर निकल, निकल बाहर, निकल के बाहर नहीं आई तो डालता हूँ पानी। ठीक है डाल, नहीं निकलता, नहीं निकलूंगा। अरे ना समझ, भागने का कोई रास्ता नहीं है, अब तेरे पास मेरी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं। चली जा, छोड़ दे उसको। ठीक है रुक जा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो पानी मत फेंक मेरे पे। माँ, पूरी बॉडी आज पेन क्यों हो रही है? अरे रे रे, जल्दी से आ जाओ, वहाँ एक भूत है, जल्दी आ। छोड़ो ना मामा, क्यों खामखा डराती रहती हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, तेरे बगल में देख। डरने की कोई जरूरत नहीं है, चल जल्दी बोल। मैंने पूछा तुझसे, कौन है तू? मेरा नाम है भागवती। सुअर कहीं का। गीता, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कुत्ते, तूने कहा किन्नर पढ़ाई नहीं कर सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, गंदे इशारे करता है, अपने साथ सोने के लिए कहता है। हिम्मत है तो इसे हाथ लगा। गीता को हमेशा लगता था कि किन्नर होना एक श्राप है, फिर भी इसने समाज का सामना किया। ये जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। हे, तेरे जैसे नीच और हरामियों की वजह से हम किन्नरों को इज्जत नहीं मिलती, हमें तो ये पूरी दुनिया गंदी नजरों से ही देखती है। तेरे जैसे कुत्ते को मैं दुनिया से आजाद कर दूंगी। उसे जाने दो माँ। नहीं माँ, उसे छोड़ दो माँ, मेरी बात सुनो। नहीं, मत मारो उसे, उसे जाने दो माँ, मेरी बात सुनो माँ। माँ, मत नहीं। नीचे रखो पत्थर, नीचे रखो, मैंने कहा पत्थर नीचे रखो। ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी बात सुनो, पत्थर नीचे रखो। मैं दुनिया में सिर्फ अकबर भाई की बात मानती थी, मेरे बाप ने तो मेरी सच्चाई जानकर बचपन में ही मुझे घर से निकाल दिया था। चल निकल, तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता साले? तेरी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। घड़ी पहनने को कहा तो चूड़ियां पहनता है, शर्ट पहनने को कहा तो ब्लाउज पहनता है, पैंट पहनने को कहा तो स्कर्ट पहनता है, सारी हरकतें औरतों वाली करता है। तुझे पैदा करना मेरी सबसे बड़ी गलती है। बाबा, आप मुझे इस तरह मत मारा करो, मैं बदलने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा, मैं जन्म से ही ऐसा हूँ। मैंने कल इंटरनेट पर पढ़ा था, ऐसी हरकतें मैं खुद नहीं करता, ये सब हॉर्मोन्स की वजह से होता है, समझो ना बाबा, मुझे घर से मत निकालो। क्या कहा? अब तो मुझे साइंस पढ़ाएगा, मुझे पढ़ाएगा, मुझे साइंस पढ़ाएगा तो? चला जा यहाँ से। मैं कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रही, फिर अकबर भाई मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। बेटा, भूख लगी है क्या? उनसे मेरा दुख नहीं देखा गया, उन्होंने मुझे सहारा दिया, अपने घर ले गए। पापा, दुम 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 दुम। पापा, चुचू आइए, चेन खोलो ना। खुद खोल लो। नहीं, मुझे नुन्नी दब जाएगी। अच्छा, ला खोल देता हूँ।
पापा ए बी लिख दिया, अब सी लिख दूं? हाँ लिख दो। क्या सोच रहे हो कि वो घर में सुसु क्यों कर रहा है? यही ना, वो हमसे थोड़ा अलग है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। खाओ बेटा, खा लो। बेटा रो क्यों रहे हो तुम? मैंने उन्हें सब सच बता दिया कि मुझे घर से क्यों निकाला गया। अब मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ जिसे तुम जिंदगी भर याद रखना। भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी शक्ति, ये दोनों तुझ में है, तू अर्धनारीश्वर है बेटा। क्या नाम है तेरा? कार्तिक। बेटा आज से तेरा नाम है भागमती। अकबर भाई ने मुझे आसरा दिया, लेकिन एक बात मैं कभी समझ नहीं पाई, क्यों मेरे माँ बाप ने, इस दोगले समाज ने मुझे एक जानवर की तरह धिक्कार दिया। मेरे जैसे कई किन्नर भीख मांग के नाच गाना करके पैसे कमा रहे हैं। मैंने निश्चय किया कि मैं इस युगों से चली आ रही परंपरा को तोड़ दूंगी। भाई के पास मुझे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी तरह के कई मजबूर किन्नरों को डॉक्टर बनाने के लिए कोशिश करूंगी। उनमें से एक था कृष्णा, हमने उसका नाम रखा गीता, पर किसी भी स्कूल ने उसे एडमिशन नहीं दिया। इस बच्चे को अगर हमने स्कूल में एडमिशन दे दिया तो ये स्कूल बदनाम हो जाएगा, फिर हमारे स्कूल में कौन एडमिशन लेगा? एक काम कीजिए, आप इसे घर पर ही रखकर पढ़ाइए। सर गुरु तो भगवान का रूप होता है, मैं चाहता था कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, पर किसी ने साथ नहीं दिया। ये भी डॉक्टर बनना चाहता है, मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपकी वजह से इसका सपना तो पूरा हो सकता है। मैं प्रिंसिपल के सामने गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, आखिरकार प्रिंसिपल राजी हो गए। गीता ने मन लगा के पढ़ाई की और जूनियर कॉलेज तक पहुंच गई। उस दिन मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के परिणाम आने वाले थे और वो अच्छी खबर आई जिसका हमें इंतजार था। हेलो, सच में गीता तुम मेडिकल में सिलेक्ट हो गई? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, गीता की सफलता में सबसे बड़ा हाथ उनकी मां भागमती का है। अगर उन्होंने मुझे गीता के एडमिशन के लिए नहीं मनाया होता तो हम गीता जैसी होनहार स्टूडेंट को खो देते। आगे की मेडिकल की पढ़ाई के लिए हम गीता को विदेश भेजेंगे ताकि वो एक अच्छी डॉक्टर बन सके और देश के लोगों का इलाज कर सके। हमारी शुभकामनाएं गीता के साथ हैं। अब मैं गीता को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा ताकि वो अपने मन की दो बातें आपसे कर सके। आओ गीता। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट प्रिंसिपल सर, थैंक यू, एंड माय टीचर्स, आज मैं इतनी खुश हूं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मेरी सफलता की वजह मेरी माँ है। माँ प्लीज स्टेज पर आइए। माँ भागमती स्टेज पर जाओ, जाओ। आप सबको मेरा नमस्कार। अगर दुनिया में कोई बात सबसे बड़ी है तो वो है एहसानों का एहसास होना। मैं तीन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आज गीता इस मुकाम तक पहुंच पाई है तो उसकी वजह है अकबर भाई। अगर आपने हमें अपना के सहारा ना दिया होता तो हम आज भी अनाथों की तरह जी रहे होते। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं अकबर भाई। शुक्रिया। अगर गीता को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता तो हमारा सपना कभी पूरा नहीं होता। गीता को एडमिशन देने और आगे की पढ़ाई में
मदद करने के लिए जिस भगवान को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी वो महान इंसान है, प्रिंसिपल साहब। और अब मेरे सपने को हकीकत में बदलने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी गीता को। और अब मैं आप सबको अपनी दुख भरी कहानी बताना चाहती हूं। संविधान में हमें नागरिकता मिली हुई है, लेकिन समाज हमें हिजड़ा, छक्का और पता नहीं कैसे गंदे गंदे नामों से पुकारता है। मगर आज एक किन्नर ने समाज में नई पहचान बनाई है। लेकिन मेरे मां बाप ने मुझे किन्नर कह के घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मैं तो उनके लिए सिर्फ एक कलंक थी। वो भूल जाते कि मैं सिर्फ 9 साल का एक छोटा बच्चा हूं। शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा भी छलनी हो जाती। अगर वो भी मुझे सिर्फ इंसान समझते तो शायद आज मैं भी एक बड़ी डॉक्टर बनके आपके सामने खड़ी होती। ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने? सिगरेट पी थी क्या? शराब पी थी? जुआ खेला था? सड़कों पर आवारा गर्दी करती रहती थी? हाँ, अगर वो करती तो गलत होता। ये जन्म मैंने अपनी मर्जी से लिया। हम लोग भी आप जैसे ही इंसान हैं। हाँ, मेरी तरह गीता भी अपने घर वालों की नफरत की शिकार बनी। इसे भी घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन आज देखिए कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई। और सिर्फ गीता ही क्यों, दुनिया के सबसे महान देव नर्तक नटराजन भी तो हम में से ही एक है। आईटी में अमेरिका का नाम रोशन करने वाली कल्की भी तो एक किन्नर है। टीवी एंकर रोजी, उत्तर प्रदेश की एमपी रेवती, यही नहीं डॉक्टर, वकील, सोशल वर्कर, इंजीनियर, इन सभी में किन्नरों ने हमारा नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में सभी देशों में किन्नरों को अब स्वीकार कर रहे हैं लोग। अब हम हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। अगर हमें मौके दिए जाए तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। क्या बात है सुपर। मैं आप सबसे सिर्फ एक विनती करना चाहती हूं, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो तो उसे गंदगी समझ के अलग मत करना। बचपन में ही उसे अनाथ मत करना। उसे इज्जत दो, प्यार दो। मत भूलो कि उसे जन्म देने वाले तुम ही हो। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो ना समझ मान कर माफ कर देना। आशीर्वाद दो मां। सुखी रहो गीता। तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बर्तन धोए, घरों में सफाई की, नौकरानी का काम किया, यहां तक कि फूल भी बेचे। दिन रात मेहनत की। मैंने 25 लाख रुपए इकट्ठा किए और बैंक में जमा कर दिए गीता की अमेरिका की पढ़ाई के लिए। अब तो प्रिंसिपल साहब तेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मैं इन पैसों का क्या करूं बता। माँ, मेरा एक सपना है माँ। हाँ बेटा बोल। बताओ गीता, बेझिझक होकर बताओ, भागमती उसे जरूर पूरा करेगी। माँ, मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जहाँ गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। माँ, तेरी बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तू मत सोच, अपने जमा किए पैसों से मैं एक जमीन खरीदूंगी और जैसा तू चाहती है उस जमीन पर सभी सुविधाओं वाला हॉस्पिटल बनवाऊंगी। वहां सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है माँ। बाय माँ। बाय। जैसा गीता चाहती थी मैंने एक जमीन खरीदी। गीता, तेरे लिए एक अच्छी खबर है, मैंने हॉस्पिटल के लिए एक जमीन खरीद ली है। तेरे नाम पर ही जमीन खरीदी है मैंने। तू खुश तो है ना? अपने सभी सपनों को पूरा होते देख मैं बहुत खुश थी कि तभी
भागमती दीदी, भागमती दीदी, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाय, इस जमीन का मालिक शंकर है। अभी देखती हूँ तुझे। ए, जाके देख रहे कौन है वो? ए, ए, क्या कर रहा है? ए, पूछ रहे हो ना क्या कर रहा है? आ जाओ सब आ जाओ सबको देख लो, आ जाओ जल्दी, आजा। कबड्डी अरे तुझमें तो बड़ी ताकत है रे, मुझे गोद में उठा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे उठाया, भगवान तुझे उठाएगा। अरे खुद को मर्द समझता है तू, पीछे से वार करता है। चल बता कौन है दास, कहाँ मिलेगा? ये दास का काम नहीं है, एमएलए शंकर ने जमीन पे कब्जा करने को कहा था, हम तो वही कर रहे हैं जो हमसे कहा गया। शंकर, तुझे शर्म नहीं आती क्या? शराफत बेच खाई है तूने? देख क्या रहे हो? मारो इसे। मैंने दिन रात मेहनत करके जमीन खरीदी और तूने नकली पेपर बनवा के जमीन अपने नाम कर ली। तू नामर्द है तू साले। हम दोनों के बीच बोलने वाला तू कौन होता है? मालिक का कुत्ता या दलाल है? चल निकल यहाँ से। कमीने, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगता था भागमती एक औरत होगी, मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि ये किन्नर है। हे, तू जीते जी मुझे नरक का रास्ता क्यों दिखा रहा है? अगर इन्होंने एक श्राप दे दिया ना तो मेरी अगली 7 पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, दिल करता तेरा खून कर दूं। आपने सही कहा, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, इनकी जमीन के पेपर इन्हें वापस लौटा दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो जमीन इसे चाहिए थी, इसलिए तुम्हारी जमीन पर मैंने कब्जा किया था।
अब इसे वो जमीन नहीं चाहिए तो मैं लेकर क्या करूंगा, उसे तुम रखो। भागमती, आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिना आपकी अच्छाई जाने मैंने आप पर शक करने की बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपके बारे में उल्टा सीधा सोचा था, लेकिन आप तो देवता निकले। मैं भी पागल हूं, क्या कर गई? बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये पेपर मुझे दो। भागमती, इन पेपर्स को तुम रख लो। अरे कोई नहीं, मैं उठा दे रहा हूं। नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी सर, आप रहने दीजिए। जमीन चाहिए। भागमती, भागमती, दीदी, भागमती, ये सब क्या हो गया? भागमती, दीदी, ये सब कैसे हुआ? भाई, बोलो। हॉस्पिटल के लिए खरीदी जमीन पर इन लोगों ने धोखे से कब्जा कर लिया। क्या हुआ दीदी? मैंने उसे बताया कि वो जमीन हमारी है। उसने अच्छा बनने का नाटक किया और फिर उसने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। भाई, पापा, भाई, वो पापा को मार रहे हैं। अकबर भाई, पापा, दीदी, पापा को बचाओ। तूने मेरे पापा को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे पापा को मारा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। इसके तो मेरे पापा को मारा इसने, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, नहीं छोड़ूंगा। मुन्ना, तुझे सच में ऐसा लगता है? और क्या, हम तो यहाँ गेम खेल रहे हैं। गेम? हाँ। सच में? हाँ। वो मरने की एक्टिंग कर रहा है, मैं मारने की एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये गेम में सच का नहीं मरते? तुम्हें भी खेलना है ये गेम? हाँ। ये क्या है? बंदूक है। प्लास्टिक की है, ये लो पकड़ो इसे। पहले तुम मुझ पर गोली चलाना हो, उसके बाद खुद को शूट करने की एक्टिंग करना। गोली चला दू, मार दू तुम्हें। ये सच में मार देगा। तुम फिक्र मत करो, गोली चलाओ, कुछ नहीं होगा। मार दूंगा, मारो, मारो, मार दूंगा, मैं मार दो ना, चला दूं गोली। हां, चलाओ चलाओ। दिख क्या? हैं, देखा? मुझे कुछ भी नहीं हुआ ना। अब तुम खुद को शूट करो। मारो मारो, अब मैं खुद को शूट करूंगा। मारो मारो, कुछ नहीं होगा, मारो। मैं मारूंगा नहीं ना, चला दूं गोली। कुछ नहीं होगा, चला दूं ना। चलाओ चलाओ, ठीक है, चला देता हूं। चलाना नहीं छोटू, मत चलाना। नहीं देखना, मैं बंदूक चलाऊंगा लेकिन मारूंगा नहीं। हां, मैं चला रहा हूँ। नहीं छोटू, मत चलाना, मत चलाना। जल्दी ट्रिगर दबाओ। नहीं। बेचारी भागमती, मुफ्त में सब कुछ खो दिया। आम जनता को तो हम रोज ही लूटते हैं, हैं? किन्नर को पहली बार लूटा है, मजा आ गया। भैया, इन सब की लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दे। अबे गधे, बॉडी अगर ऊपर आ गई तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बेचारी भागमती, मेहनत करके इसने वो जमीन खरीदी थी, इसकी लाश को वहीं दफना देते हैं?
इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। करेक्ट। जिस जमीन पर मैं गरीबों के लिए अस्पताल बनाना चाहती थी उसी के अंदर हम तीनों को दफना दिया गया। अब तुम ही बताओ, बताओ मुझे, हमारे साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं? देख, तेरे साथ ना इंसाफी हुई है, मैं भी मानता हूं, लेकिन सुन, तेरे पास ये शरीर छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। देख, इस परिवार के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, जो अल्लाह के भरोसे रहते हैं, मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता। आजा, इसके अंदर समा जा। नहीं बाबा, मुझे उस शीशे में बंद मत कीजिए। आज पूरनमासी है, आज हर हाल में मुझे उस एमएलए शंकर को मारना ही है। अगर वो मरेगा तभी तो गीता को वो जमीन मिल पाएगी और उसके बाद ही वो गरीबों के लिए अस्पताल बना पाएगी। उस शंकर को मारकर मैं इन लोगों को आजाद करवा दूंगी। बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर हाल में मेरी मदद करनी पड़ेगी। तेरी रूह को इसी में सुकून मिलेगा। आजा, आजा, तेरी रूह इसी में है। आती हूँ। ऐ दुनिया जहान के बनाने वाले, इस लड़के पर अपने रहम और करम की नजर रख, इसे अपने अमान में रखना। आजा बेटा, आजा, आजा। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने ईमान की सच्चाई का वास्ता तुझे देता हूँ। सुनिए, इस रूहानी तावीज को अपने हाथ से इस लड़के के हाथ पर बांध दो। या मेरे खुदा, इस लड़के की मानना जरूरी है क्या? और से सुनिए, मैं इस बेचैन आत्मा को समुद्र की गहराई में सुलाकर आता हूँ। अगले 3 दिनों तक इस लड़के के हाथ से ये तावीज किसी भी सूरत में उतरना नहीं चाहिए। और अगर गलती से भी ऐसा हुआ तो ये आत्मा फिर से इस लड़के के शरीर में घुस सकती है। याद रखना। अल्लाह हाफिज। में से बाहर नहीं आएगी। शांत हो जा और सो जा समंदर की गहराई में। एमएलए शंकर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज पूर्णिमा की चांदी रात है, उस आत्मा का प्रण है कि आज वो तुम्हारा वध करेगी। अच्छा स्वामी जी। उस आत्मा को मुक्त करने का एक ही उपाय है, आज रात इस शहर के सारे किन्नर समुद्र के किनारे मिलकर देवी की पूजा करेंगे और वह देवी से जो भी वरदान मांगेंगे देवी उन्हें पूर्ण करेंगी। उसके बाद नाच गाने का उत्सव होगा और वो चले जाएंगे। उनके वहां से चले जाने के पश्चात तुम उन तीनों दफनाई हुई लाशों को निकालकर किन्नरों के हवन कुंड की जलती हुई अग्नि में फेंक कर वहां से जल्दी से चले जाना। अगर तुमने अवश्य ही ऐसा किया तो वो भटकती हुई सारी आत्माएं इस लोक से अपने शरीर का त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी। जैसा आप कह सो मुझे। जल्दी जाओ। चलता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? कहीं ये लोग हमारे शरीरों को जलाने की तो नहीं सोच रहे? कोई आकर बचाओ हमें। कितनी गंदी बदबू आ रही है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। Yeah.
कौन है रे तू? भागमती। यहाँ क्या करने आई है? पुराना हिसाब चुकता करने। हमारी मदद चाहिए क्या तुझे? ए, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है इधर। सब लोग अपनी जान बचा कर निकल रहे हैं। वो सब चले गए। जल्दी करो, जल्दी करो, निकालो लाशों को, जल्दी लेकर आओ, मेरे पीछे लेकर आओ, जल्दी आओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी पहुंच, चलाओ, चलो। ए, आग में डाल दो। ये तो भागमती है, ये कैसे जिंदा हो गई? चलो भागो, 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 भागो। दीदी मुझे दो ना, मुझे भी इनको मारना है। बिना बॉडी के अंकल कितने गंदे लगते हैं। ए, गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। गाड़ी कैसे चालू करूं? चाबी तो वहां भागते वक्त गिर गई है। तेरी तो यहाँ पर क्यों आ? चाबी लेकर आओ। यहाँ क्या है? बहुत दिनों से काट कर तेरे टुकड़े टुकड़े करने की चाहत थी। मेरे टुकड़े टुकड़े करेगा? मेरे चले भाई। ए ड्राइवर, पापा मैं इसे मारूं? नहीं बेटा, मैं हूं ना। तुम फिक्र मत करो, अंदर जाओ, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी। बाय पापा। चल। एक बार दो टुकड़े, मामला ही खत्म। Hey!
हिम्मत है तो अंदर आ। ए, मुझे पता है तो अंदर नहीं आ सकते। ये मंदिर नरसिंह स्वामी का मंदिर है। अगर तूने एक भी कदम अंदर बढ़ाया तो तू जलकर राख हो जाएगी। ए, हिम्मत है तो आगे दिखाना। आना 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 आना। रुक क्यों गई आना। ए, ए, चला आजा आजा। नरसिंह स्वामी, क्या किसी पर अन्याय करना यही इंसाफ है तुम्हारा? एक पापी को शरण दोगे? एक मजलूम निर्दोष तुम्हारे मंदिर के बाहर खड़ा है, मुझे अंदर आना है। अधर्म की जीत देखना चाहते हो तो मुझे जलाकर राख कर दो, और अगर धर्म को जिताना चाहते हो तो मेरे लिए रास्ता बनाओ। बनाओ रास्ता नरसिंह स्वामी, रास्ता बनाओ। मुझे अंदर आने दो नरसिंह स्वामी, अंदर आने दो। नरसिंह स्वामी आपकी जय हो। नरसिंह स्वामी तू नहीं बचेगा। आजा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। भगवान भी तुझे नहीं बचाएगा। नहीं मुझे छोड़ दो। अब आ रहा आजा आजा। नहीं आजा आजा आजा। मुझे मत मारो प्लीज। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। भागवती, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। तुम्हारी जमीन वापस दे दूंगा। नरसिंह स्वामी, अब मैं इसे नहीं मारूंगी। जानते हो क्यों? आपने मुझे इस पवित्र मंदिर में आने की अनुमति दी, इसलिए इस दुष्ट को यहाँ मारकर इस जगह को अपवित्र नहीं करूंगी। मुझे मत मारना। तुझे तो मैं बाहर ले जाके मारूंगी। मुझे मत मारना। चल 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 चल। तुझे यहाँ मरने का हक नहीं। चल चल चल। चल 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 प्लीज। मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारना। मुझे माफ कर दो। नहीं छोड़ूंगी।
राघव ने भागमती की मदद की और बदले में भागमती ने भी राघव की मदद की। भागमती का सबसे बड़ा सपना अस्पताल बनाना था, उसमें राघव ने पूरा सहयोग दिया। अरे रुको रुको रुको, एक मिनट। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। ये देखो, भागमती हॉस्पिटल, अच्छा लगा ना? आओ। ये कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। मेरी माँ का सपना पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुझे थैंक्स मत कहो, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। जो कामयाबी तुमने हासिल की है वो एक मिसाल है, दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए, ये एक सबक है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है गीता। मुझे देखकर तो कोई खुशी नहीं होती, मैं जानती हूँ उसे कैसे सीधा कर सकते हैं। आज मैं भी इस बंदर को अपनी कमर पर लटका कर ही रहूंगी। क्यों, आज कोई और कमर नहीं मिली चढ़ने के लिए जो आकर मेरी कमर पर लटक जाए? अब इस कमर के बाद मैं किसी कमर की ख्वाहिश नहीं रखता।